नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। ए बंदे जी पैसे खो के लेके जा रहे हैं 2000 रुपया। ते आ बंदे ने, ठीक है जी, आ गड्डी है। मोगा पंजाब से खबर सामने आई है जहां पर कार सवार युवकों ने लूट लिया ड्राइवर को। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया, मोगा पंजाब की ये घटना है जहां पर कार पर 5 लोग सवार होकर आए, 2 बाइक सवार भी आए ड्राइवर के साथ, उन्होंने लूट की। ड्राइवर ने बताया कि उनके पास उस समय 2000 रुपए थे जो ये लुटेरे लूट कर चले गए। इस लूट के बाद ड्राइवर ने वीडियो भी बनाया उस कार का जिसमें लुटेरे आए थे, आप नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब प्रशासन को इस लूट के बाद कोई ना कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सबूत भी सामने हैं, वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है, कार नजर आ रही है। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वाकई में ड्राइवरों का भरोसा कानून व्यवस्था से उड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्दीधारी पुलिसकर्मी ने इस्तेमाल की ड्राइवर के खिलाफ ऐसी भाषा जिसको सुनकर कोई भी असहज महसूस करने लगेगा। इस भाषा शैली को सुनकर आप ये कहेंगे, क्या ये कोई सभ्य पुलिसकर्मी है? क्या ये सभ्य समाज का कोई शख्स है जो इस कदर बात कर रहा है ड्राइवर से? उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बाईपास ओवरब्रिज पर तैनात ये दरोगा साहेब जाम हटवाने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर से इस कदर बात कर रहे हैं, इस कदर पेश आए जिन्हें देखकर वाकई में क्रोधित हो उठेंगे। नौकर है कोई नहीं, अम्मा लेके चलो इस पे, वो बताओ रास्ता क्या इधर से, वो तुझे माता जी की माता जी बोले नीचे है भैया कोई भाई नहीं नहीं भैया जाओ जाओ। देखा आपने कितनी गालियां दी। हमने गालियों वाली जगह पर कुछ धुन का इस्तेमाल किया क्योंकि हम ऑन एयर ये आपको नहीं सुना सकते, पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्राइवर के साथ किस कदर बदसलूकी की गई। क्या यही तरीका है पुलिसकर्मियों का बात करने का? ड्राइवर है चंदा पाशा, जिन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले की घटना है गडक कर्नाटका की, जहां पर रोड पर बिना टायर के रिम पर गाड़ी चल रही थी, जिसका कुछ दूरी तक मोटर सवार युवकों ने पीछा किया और कुछ दूर जाकर गाड़ी को रुकवाया और ट्रक ड्राइवर को यह कहा कि रोड पर इतनी लापरवाही क्यों? क्या लाइसेंस है आपके पास इस ट्रक को चलाने का? क्योंकि जिस कदर वो लापरवाही कर रहा था और मोटरसाइकिल पर जो चालक आया था वो खुद एक तजुर्बेकार ड्राइवर था, तो उसे मालूम था कि कोई भी घटना हो सकती है जो ड्राइवर के लिए और दूसरों के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। तो हमारा भी यही कहना है कि रोड पर इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि गाड़ी पलटी हुई है और एक दीवार टूटी हुई है। दरअसल यहां पर 17 नवंबर को धान से भरी गाड़ी पलट गई, जिस वजह से बीडी ओवरसीज राइस मिल तरावड़ी की दीवार टूट गई। ये मिल हरियाणा में पड़ती है। इस दीवार के पास कुछ मार्बल भी पड़े हुए थे जिसका नुकसान हो गया, साथ ही साथ ड्राइवर की गाड़ी भी पूरी तरह से टूट गई। ये भी एक भारी नुकसान है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी का नुकसान तो हुआ ही, पर अब मिल मालिक ड्राइवर से 50,000 रुपए की भुगतान की बात कर रहा है। गाड़ी को मिल के अंदर सीज करके रखा हुआ है, जिसको छुड़ाने के लिए ड्राइवर चक्कर पे चक्कर काट रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि बड़ा नुकसान तो ड्राइवर का भी हुआ है, लेकिन क्या करें, ड्राइवर की सुनता कौन है? ये भाई गुजरात लाखोन टोल प्लाजा, ये आप देख सकते हैं कितनी लाइन में गाड़ियां खड़ी हैं, 1, 2, 3, 4 और मेरे पीछे भी 4 गाड़ियां खड़ी हैं और ये लाइन सब बंद करके बैठे हैं और ये भाई साहब आराम से टहल रहे हैं और ये कुछ लोग आराम से कुर्सी ऊपर बैठे हुए हैं। अब आप बताएं इन लोगों को डीजल की क्या रेट है, इनको क्या पता चले, इनको कोई है? देखिए सब लाइन भरी है, आगे भी यही पोजीशन है, वहाँ भी ये लाइन खड़ी हुई है, आगे सामने वाली भी, और उधर भी सब लाइन बंद पड़ी, एक ही चालू है। अब ये देखिए, ये घटना गुजरात के लखनौंद टोल प्लाजा की है, जहाँ पर 4 गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हुई हैं, पर टोल कर्मी अपने में ही व्यस्त हैं। गाड़ियों का डीजल फालतू में खर्च हो रहा है, लेकिन टोल कर्मियों को क्या फिक्र, वो तो मस्ती से घूम रहे हैं। तो वहीं पर दूसरा वीडियो जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी टोल प्लाजा का है, यहाँ का भी हाल सुन लीजिए। यहाँ पर कांटे पर वजन सही नहीं आ रहा तो बार बार कांटा करवाया जा रहा है, जिसके कारण डीजल और समय ड्राइवर के दोनों बर्बाद हो रहे हैं। वहीं पर कई बार ये बातें टोल पर बहस का मुद्दा बन जाती हैं।
ये सब देखकर ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या ये वही सुविधाएं हैं जिनकी अक्सर बात की जाती है। भाई ये गारंटी के साथ बोलो ये गाड़ी ओवरलोड है क्या? गारंटी के साथ बोलो ये गाड़ी ओवरलोड है, क्यों करवाऊं कांटा? मेरे में कांटा पड़ती रही, सारा कुछ रहा, वजन 34 टन। पहले बिल्टी दे, इधर बताओ बिल्टी में क्या क्या चीज है। रोड पर अब क्यों बढ़ रहे हैं हादसे, इस घटना के जरिए से बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमें कोई वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में मौजूद ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन में जाकर, चैट सेक्शन में जाकर आप वीडियो सेंड कर सकते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ये घटना रांची पुरुलिया रोड की है। तबरेज खान है रांची के रहने वाले, जिन्होंने बताया कि 15 नवंबर को यहां पर एक घाट से गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन धुंध ज्यादा होने के कारण आगे कुछ नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से गाड़ी पेड़ पर टकरा गई और यह हादसा हो गया। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को चोटें भी आई हैं, लेकिन गनीमत रही कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों सर्दियां आ रही हैं और धुंध बढ़ रही है, ऐसे में हमारा आपसे अनुरोध है कि रोड पर थोड़ा सा ध्यान रखें, सतर्क होकर चलें, हादसों से बचें। ड्राइवरों ने रंगे हाथों पकड़ा चोर, लेकिन छोड़ दिया, क्या है वजह चलिए बताते हैं। गोविंदगढ़ पंजाब की यह घटना है जहां पर एक चोर को गाड़ी में से लोहा चुराते हुए पकड़ा गया। बाद में पता चला कि इस चोर के साथ 3 साथी और भी थे। चोर को गाड़ी में बंद करके उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। ड्राइवरों का कहना है कि अगर पुलिसकर्मी को भी देते तो क्या होता, वो बल्कि ड्राइवरों को ही परेशान करते। सुनवाई तो कोई होनी नहीं थी, इस वजह से ड्राइवरों ने चोर को छोड़ दिया। सोचिए किस कदर का अविश्वास पुलिसकर्मियों के खिलाफ या पुलिस की कार्यशैली पर ड्राइवरों को होने लगा है। दोस्तों यहां पर 2 गाड़ियों का डीजल चोरी हो गया है, लेकिन किसी की भी कोई जवाबदेही नहीं है। दरअसल गाड़ी का यहां पर टायर पंक्चर होने की वजह से गाड़ी को जोधपुर में ही होटल पर रोक दिया गया। यहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने ड्राइवरों को बोला भी कि गाड़ी खड़ी कर दो, किसी तरह का कोई डर नहीं है, यहां पर कोई डीजल चोरी नहीं करेगा। लेकिन डीजल चोरी हो गया और जब पुलिस को ये बात बताई गई तो उनका कहना था कि पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट दर्ज होगी, और होटल वाले ने उल्टा गाड़ी वालों को ही ये कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आपने ही डीजल निकाल कर कहीं पर बेच दिया होगा। अब इस चोरी की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों दिनेश कुमार यादव है जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दरअसल इनकी गाड़ी चोरी हो गई, जिसका नंबर है UP72AT0335। दिनेश यादव ने बताया कि इनकी गाड़ी घर के बाहर लगी हुई थी और वहीं से चोरी हुई है। इन्होंने चोरी की FIR भी दर्ज करवाई है, लेकिन गाड़ी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इनकी गाड़ी प्रयागराज के CCTV में देखी गई है। अगर आप में से किसी को भी इस गाड़ी के बारे में कुछ पता चलता है तो आप कृपया करके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके बता सकते हैं। इस गाड़ी का पता बताने वाले को 50,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। तो अगर आपको भी कहीं ये गाड़ी नजर आए तो जरूर संपर्क करके बताएं। एक ड्राइवर ने लगाया ऐसा जुगाड़ जिसको देखकर दूसरा ड्राइवर है हैरान। जी हाँ, रामपाल है अंबाला से, जो हिमाचल के काला अंब इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी अनलोड करने गए थे, जिन्होंने पहली बार फैक्ट्री के बाहर एक नया जुगाड़ देखा। सुनकर आप भी हैरान होंगे। ड्राइवर ने इसका वीडियो भी बनाया, जिसमें बताया गया कि अगर आपकी डीजल की टैंक की लीक हो जाए तो उसमें MCL लगा दें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई लगा लेता है, लेकिन MCL लगाने के बाद उसके ऊपर बेल्ट बांध दें जो डीजल को लीक नहीं होने देगी। जी हाँ, ड्राइवर जो बिहार का रहने वाला था, उसने ये जुगाड़ किया था।
रामपाल ने जब ये देखा और ये बेल्ट लगाने की तकनीक देखी जो 6 महीने से कामयाबी से डीजल टैंक से जुड़ी हुई है और डीजल लीक नहीं हो रहा, इस वजह से वो दंग रह गए। आप देख रहे थे जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी हमें कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में मौजूद ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन में जाकर चैट सेक्शन में जाकर आप हमें वीडियो सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी, मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।